नमस्कार दोस्तों, आज हम शारब्रुकन शहर को टूर करने वाले हैं। शारब्रुकन शहर बेसिकली जर्मनी के सालेंड स्टेट का कैपिटल है। यहाँ के अट्रैक्शन को हम देखेंगे, जिसमें कि शारब्रुकन कासल है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे शारब्रुकन थिएटर है, और साथ में हम यहाँ पे जो बेसिलिका संत जॉन चर्च है उसको भी देखेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे यहाँ के वाइल्ड लाइफ पार्क को भी एक्सप्लोर करेंगे। शारब्रुकन कैसल देखने जा रहे हैं, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, एंड आई थिंक वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब इधर जाएंगे तो बीच में एक ब्रिज है, वन ऑफ द फेमस है, लोग इसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप शारब्रुकन कैसल पे मूव करते हैं। ये कैसल भी मेडिवल टाइम का बना हुआ है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हो नियरेस्ट एक रिवर भी है। पास में ये चिल्ड्रन पार्क भी है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं शारब्रुकन थिएटर है, वहाँ पे ड्रामास काफ़ी यहाँ पे होते हैं। ये फ्रांस बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है शहर, इस कारण से यहाँ फ्रेंच टूरिस्ट भी काफ़ी आता है। आपको इस कैसल का बाहरी इलाका मैं दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे रिवर भी क्रॉस होती है, और ये वन ऑफ द वे यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है फ्रिट्स का, वो भी इनसे कैरी आउट होता है, जैसा मैंने पढ़ा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टूर करना चाहते हैं, आप स्मॉल बोट्स लेते भी इसके नियरेस्ट अट्रैक्शन में आप चीज़ को देख सकते हैं। ये हमारे सामने एक शारब्रुकन का कैसल दिख रहा है, वैसे काफ़ी अच्छा है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी बारिश की, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। ये वाला कैसल 17th सेंचुरी में बना था, ओवर द टाइम ये डिस्ट्रॉय हो गया, वापस रीबिल्ड किया गया है लास्ट सेंचुरी में से 1956 में रीबिल्ड किया गया। अभी हम कासल के मेन एंट्रेंस की ओर जा रहे हैं। सीढ़ियों सड़क के ऊपर आया तो देखा कि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है पूरे शहर का। जैसा कि आप देख सकते हो हम 16:20 से इधर आए थे वॉक करते हैं, वापस अब कासल के अंदर जा रहे हैं।
कसल के अंदर है अभी। मेन एंट्रेंस पे दो स्टैचूज है, तो 200 साल पुराना स्टैचू है, पर जाने में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। कैंडिडेट कैसल के बैक साइड में कैसल का बैक साइड है, यहाँ पे यहाँ से भी व्यूज काफी अच्छा दिख रहा है रिवर का, सब देख सकते हैं। सालंड में ये सेंट जॉन बेसिलिका है जो कैथोलिक क्रिश्चियन से उनका प्लेस। ये बेसिलिका लगभग आज से 200 साल पहले लगभग 1754 ईस्वी के आसपास बना था। अभी हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये सालंड का भी एक मेन अट्रैक्शन है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिलिका सेंट जॉन, ये सेंट जॉन चर्च भी है, इसको चर्च कहा जा सकता है। वो इधर देखना है क्या? अच्छा चलते हैं, मैं क्या क्या जला सकते हो चार्ज।
जॉन वेस्ले का किरदार अब अगले स्टार्टअप पे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये डाउनटाउन एरिया है और कुछ वॉक करने का तो सोचा गया है। शारबुकन के वाइल्ड पार्क में हम अब जाने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो इस वाइल्ड पार्क के अंदर हम वॉक कर रहे हैं अभी, और ये बेसिकली जो वाइल्ड पार्क है जो शारबुकन में है, जैसे मैंने बताया शारबुकन बेसिकली सालैंड की कैपिटल है, और सालैंड जर्मनी के 16 स्टेट्स में एक स्टेट है। इसका जो लोकेशन है ये फ्रांस और लग्जमबर्ग कंट्रीज हैं से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ से लगभग 60 से 80 किलोमीटर के ड्राइव पे हम ये दोनों कंट्री पहुँच सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा बहुत सारे न्यू वाइल्ड एडवेंचर्स जो इस पार्क के अंदर हैं, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है, क्योंकि सैटरडे को फैमिली आती है यहाँ पे अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए। आज सैटरडे का डे है और सैटरडे को बेसिकली काफ़ी सारी फैमिली यहाँ पे बच्चों के साथ वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आती है। क्या है ये? हाँ काम मिलता है यार। सो मेन इस पार्क का फाउंडेशन एक्चुअली 1929 में रखा गया था। उस जमाने में 12 एनिमल्स के साथ यहाँ का रजिस्ट्रेशन इस पार्क को शुरू किया था, लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ उसके बाद यहाँ पे जो भी एनिमल्स थे उनको रिलीज कर दिया गया। एंड 1956 में वापस इस पार्क को रिस्टोर किया गया। आप देख सकते हो आई मीन वी आर इन बिटवीन द नेचर एंड वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन आज सैटरडे है, लोग यहाँ पे हैं अपने परिवार के साथ। इससे पहले शहर से बाहर एक कोने में
ये एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे लोग थोड़ा हैंग आउट करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम नेचर के बीच में हैं, काफ़ी अच्छा वेदर है, राइट। वन ऑफ द जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हैं। हम फ्रैंकफर्ट से शारबुकन आए हैं, और जो दर्शक शारबुकन आना चाहते हैं फ्रैंकफर्ट से, बेस्ट वे आपके लिए दो हो सकता है। जैसा कि या तो आप ट्रेन लीजिए वहाँ पे और आपको रीजन ट्रेन मिल जाएंगे जो लगभग 2.5 आवर्स लेगी, जो आपको शारबुकन छोड़ेगी। नहीं तो आप अपनी कार से भी आ सकते हैं आगे। लगभग टोटल दूरी शारबुकन आने में के लिए आपको लगभग 125 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। टिकट का कॉस्ट लगभग रीजनल ट्रेन में 35 यूरोज़ है वन साइड से। सो किसी एक एडल्ट के लिए लगभग 70 यूरो के आसपास पे करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं वॉक कर रहा हूँ शहर के बीच।